Hello everyone, it's me Rimsha Kyani, and today after so long I'm going to review about the movie, the most famous Bollywood movie, and the name is Ludo. I just love watching this movie. मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने reviews पढ़े, मैंने लोगों से सुना, सब कह रहे थे कि Ludo movie देखो, Ludo movie अच्छी है, blah blah blah. सो मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था. मुझे फिर ये भी था कि मैं इसके बारे में लाजमी रिव्यू दूंगी. मैंने इसका ट्रेलर भी पहले देख चुकी थी लेकिन मुझे देखने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी मूवी है. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2 hours and 30 minutes की मूवी है, जो नॉर्मली आजकल की मूवी से थोड़ा ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेगी. लेकिन ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन इट, और अगर आप सिनेमा में जाके देख रहे हैं या आप घर पर भी देख रहे हैं, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट विल वर्थ इट, ट्रस्ट मी. सो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूज़िक की. अगर हम बात करें तो ये आजकल की मूवीज जैसे जो डिस्को सॉन्ग्स एंड या बहुत सैड सॉन्ग्स, सैड कोई सीन हो तो सैड सॉन्ग चलता है, इस तरह का कुछ भी नहीं है. बहुत ही यू कैन से मेलोडी सॉन्ग्स हैं जो आपके कानों को सुकून देंगे, और बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं. आई जस्ट लव एवरी सिंगल सॉन्ग, एंड द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग जो टाइटल सॉन्ग भी है, 1951 की मूवी से लिया गया है. क्या नाम था उस मूवी का, आई थिंक बदला समथिंग नाम था. एंड द सॉन्ग इज ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम. तो ये था सॉन्ग. आई होप आप लोगों ने सुना होगा ये गाना. नहीं सुना हुआ है तो टिकटॉक में इतना ज़्यादा चल रहा है. मैंने ये सॉन्ग स्पेशली सर्च किया कि कौन सी मूवी का है, बिकॉज़ ये सॉन्ग सुनने में ही मुझे बहुत पुराना कोई लग रहा था. तो इस सॉन्ग की मुझे वीडियो भी बहुत मज़े की लगी है. इस मूवी में सॉन्ग को वापस यूज़ किया गया है सो अगर हम इस सो आई लव द म्यूज़िक. और अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो डायरेक्टर हैं अनुराग बासु, सबसे पहले डायरेक्टर का ही अपना सीन है जो एक बंदे को समंदर के पास लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो लूडो खेलते हैं. सो बेसिकली लूडो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि 4 characters के बारे में स्टोरी है, 4-in-1 है ये. सो हर करेक्टर अपनी जगह पे एक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है. जैसे हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, इसी तरह हर करेक्टर की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन हैं. और उन चारों गोटियों को मिलाने के लिए एक करेक्टर हैं त्रिपाठी, जो समंदर के पास ही कुछ लकड़ियों के घर बने हुए हैं जहाँ पे वो उनका अड्डा है, और वो वहाँ पर दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं. सो वो इन चारों गोटियों को मिलाए हुए हैं, इन चारों से कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरह. तो अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट हीरो है राजकुमार. उन्होंने भी बहुत अमेजिंग एक्टिंग की है. वो इस मूवी में एक रेस्टोरेंट के वेटर हैं जो कॉलेज टाइम पे उनको एक लड़की से प्यार हो गया था, द नेम इज़ फातिमा. और अभी भी उस लड़की की शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है, लेकिन उस सबको इग्नोर करते हुए अगर अभी भी फातिमा उनको किसी चीज़ के लिए कोई बात बोलती हैं तो वो फ़ौरन उनकी तरफ चले जाता है. ही इज़ सो इन लव विद हर. और अगर हम दूसरे हीरो की बात करें जो है आदित्य राव, तो उनको वो भी एक लड़की के साथ एक होटल में सो गए थे, उनका नाम है सानिया. इन दोनों ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, दोनों केयर फ्री करेक्टर हैं, सो यू विल लव देयर एक्टिंग. दोनों की जो वीडियो है वो किसी होटल के सीसीटीवी कैमरा में सेव थी, जो इंटरनेट में किसी ने लीक कर दी और वो वायरल हो गई. तो पूरी मूवी में वो आपको दिखेंगे कि वो अपनी उस डिफरेंट होटल्स में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से इनकी वीडियो लीक हुई है, कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है. सो पूरी मूवी में यही आपको इन लोगों का करेक्टर दिखेगा. अगर हम अभिषेक बच्चन की बात करें तो अभिषेक बच्चन भी गैंगस्टर के तौर पर एक्टिंग करेंगे. यहाँ पर एडा बने हुए हैं वो, जो कि कुछ साल पहले जेल चले जाते हैं किसी जुर्म के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो फिर इस जेल जाने के बाद उनकी जो वाइफ है वो किसी और से शादी कर लेती है, और उनकी एक बेटी भी होती है जो अपनी ही बेटी को किडनैप करने के जुर्म में उन पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को किडनैप किया हुआ है. सो उनका भी बहुत स्वीट सा करेक्टर दिखाया गया है कि वो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम है, इस तरह का विलन उनको दिखाया गया है. सो आपको डेफिनेटली उनका करेक्टर भी बहुत पसंद आएगा. अगर हम लोग चौथे करेक्टर की बात करें जो लीगोटी है, उसमें
दो मासूम से बच्चे हैं जो गरीबी और लाचारी के बाद जो दुनिया वाले उनको तंग करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, इसी तरह उनको उनका भी मजाक बनाया जा रहा होता है। कभी उनको उस लड़के को बॉस तंग कर रहे होते हैं, कभी इस लड़की को उसके अपने कुलीग्स तंग कर रहे होते हैं। सो इन दोनों का करेक्टर भी बहुत स्वीट है, लेकिन उन लोगों के मूवी में क्लिप्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम उनको दिखाया जाएगा। अभिषेक का भी सीन बहुत कम है और उन दोनों की सीन भी बहुत कम है। सो एट द एंड ये होता है कि जो त्रिपाठी है वो इन चारों करेक्टर्स को जोड़े हुए हैं बहुत खूबसूरती से, और इसीलिए वो दुनिया की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और एंड आपको क्लाइमेक्स में ये दिखेगा कि वो जो हैं एक ही लोकेशन में चारों करेक्टर जमा हो जाते हैं, जो एक तिजोरी को लूटने के लिए, हासिल करने के लिए चारों मेहनत कर रहे होते हैं। तो किसी को कुछ मिलता है, जो जो मिलता है जिसको, वो एंड में जो है वो बहुत अमीर हो जाता है, रिच हो जाता है, और जिसको कुछ नहीं मिलता उनको अपना पार्टनर तो ज़रूर मिल ही जाता है। सो द मूवी इज़ अमेजिंग। आपको इसका नरेशन बहुत मुझे इसका पसंद आया, मुझे सॉन्ग इसके बहुत पसंद आए, मुझे इनका करेक्टर स्टाइल बहुत पसंद आया, एक्टिंग बहुत पसंद आई। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी देखने के बाद। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई है एंड इसीलिए मैंने कहा कि मैं जल्द से इसका रिव्यू भी दे दूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द नेम इज़ ओवर देयर and I'll post the link on my description below. So please go follow me on Instagram and subscribe my channel as well. Tab tak ke liye, bye bye.